सरकार में मंत्रियों के नाम की चर्चा तेज हो गई है। सहयोगी पार्टियां पहले से ही दांव आजमा रही है। चर्चा है कि बिहार से कई मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए, तीसरी बार मोदी सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, ये सवाल सभी के जहन में है। सूत्रों के मुताबिक मोदी के नए मंत्रिमंडल में बिहार के कई नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कोर्ट से कई मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो संजय झा, ललन सिंह और कौशलेंद्र जदयू कोटे से मंत्री हो सकते हैं। आज जेडीयू की बैठक में आगे की रणनीति और मंत्री पद के लिए नामों पर मंथन किया गया। वहीं गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय एक बार फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये दोनों नेता पिछले मोदी सरकार में भी मंत्री थे। गिरिराज सिंह बेगूसराय से और नित्यानंद राय उजियारपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। मोदी की नई कैबिनेट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। बीजेपी बिहार से संजय जायसवाल के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं टीडीपी भी नई सरकार में मंत्री पद को लेकर कई विभागों पर अड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर समेत कई विभाग को लेकर टीडीपी ने अपनी मांगों की लिस्ट सौंप दी है।